हेलो छात्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टुडेज स्टडी क्लासेस में। छात्रों, आज हम एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय हिंदी का पार्ट 1 करेंगे, मेरी भावना, जो कि सत्र 2024 और 25 का है। तो चलिए छात्रों, इस अध्याय के प्रश्न उत्तर करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, प्रार्थना कविता के आधार पर हृदय में कौन सा भाव होना चाहिए? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रेम। प्रश्न नंबर 2, कविता में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अलंकार। प्रश्न नंबर 3 है, दूसरों की उन्नति देखकर किसका भाव नहीं आना चाहिए? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ईर्ष्या। प्रश्न नंबर 4 है, बुरे रास्ते पर चलने वालों के प्रति कवि के मन में आने वाला भाव है? ऑप्शन नंबर डी, साम्य भाव, इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 5, जाना क्रिया का भूतकाल है? ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर है गया। अगला प्रश्न करते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 6, किसी के दोषों को देखने के स्थान पर हमें साम्य का भाव रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 7 है, न्याय मार्ग, यहाँ पर न्याय मार्ग आएगा, से हमारे पैर कभी नहीं डिगना चाहिए। प्रश्न नंबर 8 है, दीन दुखी जीव को देखकर आपके मन में आने वाला भाव करुणा है। प्रश्न नंबर 9, सरल सत्य व्यवहार करूं पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न नंबर 10, श्याम पाठ पढ़ेगा, यह वाक्य भविष्य काल का है। अब करेंगे हम अति लघुत्तरीय। प्रश्न नंबर 11, काल किसे कहते हैं? उत्तर है, क्रिया के जिस रूप में कार्य के करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर पर हरा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। उक्त पंक्ति में आए अनुप्रास अलंकार वाले वर्ण छाट कर लिखिए। इसका उत्तर है उक्त पंक्ति में आए अनुप्रास अलंकार वाले वर्ण प र का आदि हैं। प्रश्न नंबर 13 है, मेरी भावना कविता में लक्ष्मी आए या जाए से कवि का क्या आशय है? उत्तर है, इस कविता में लक्ष्मी आए या जाए से कवि का आशय धन के आने और जाने से है। प्रश्न नंबर 14 है, मेरी भावना कविता में कवि किससे दूर होना चाहता है? उत्तर है, मेरी भावना कविता में कवि धन दौलत मोह लोभ लालच आदि से दूर होना चाहता है। अगला प्रश्न करते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 15 है, हमें किसी से अप्रिय व कठोर शब्द क्यों नहीं कहना चाहिए? उत्तर है, क्योंकि अप्रिय व कठोर शब्द संसार में कितने ही झगड़े पैदा कर देते हैं और उसका प्रभाव बहुत ही कष्टकारक होता है। प्रश्न नंबर 6, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, उक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, भावार्थ, दुनिया के सभी जीव जंतुओं एवं पादपों से व्यवहार प्रतिदिन मित्रवत हो। प्रश्न नंबर 17 है, मेरी भावना कविता में आए किन किन सद्गुणों को आप अपनाना चाहते हैं? उत्तर है, दया प्रेम करुणा न्याय परोपकार एवं धैर्य जैसे सद्गुणों को अपनाना चाहिए। प्रश्न नंबर 18 है, किसी व्यक्ति के किस किस व्यवहार को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह उच्च भावों वाला व्यक्ति है? उत्तर है, किसी व्यक्ति के अच्छे व्यवहार को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि वह उच्च भावों वाला है। छात्रों, अब हम करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 19, न्याय मार्ग पर डटे रहने के लिए हमें किन किन बातों से दूर रहना चाहिए? उत्तर है, न्याय मार्ग पर डटे रहने के लिए व्यक्ति को स्थिर और निष्कपट रहना चाहिए, उसे अपनी बात स्पष्ट और तथ्याधारित रखनी चाहिए, विवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, सत्य और परोपकार की भावना से संबंधित शाला पुस्तकालय में या अन्यत्र पड़ी हुई
कोई एक कहानी अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, एक गांव में राम नाम का एक लड़का रहता था। राम बहुत ही दयालु और ईमानदार था। एक दिन उसे रास्ते में एक बटुआ मिला जिसमें बहुत सारे पैसे और कुछ कागजात थे। राम ने सोचा यह किसी का होगा जिसे इसकी बहुत ज़रूरत होगी। उसने बटुए में एक पता देखा और वहां पहुंच गया। दरवाज़ा खुला तो उसने देखा एक बुजुर्ग आदमी चिंतित होकर बटुए को ढूंढ रहा था। राम ने बटुआ उन्हें देते हुए कहा, दादाजी यह आपका बटुआ है, मुझे रास्ते में मिला था। बुजुर्ग आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने राम को गले लगाते हुए कहा, बेटा तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा विश्वास इंसानियत पर और मजबूत कर दिया है। इस छोटे से काम ने राम को गांव में एक सच्चे और परोपकारी व्यक्ति के रूप में पहचान दिला दी। छात्रों, इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 20 का उत्तर लिख सकते हो। और आपने ऐसी कहानी अगर कहीं सुनी हो या किताबों में पढ़ी हो तो उसको भी यहाँ पर लिख सकते हो। छात्रों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ घंटी के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और छात्रों, यह वीडियो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो ताकि वह भी ये कार्य आसानी से कर सके। धन्यवाद छात्रों।